हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव। आज हम ब्लाउज के बैक में लेस डिज़ाइन बनाएंगे। तो इससे पहले हम पीछे बैक में 3 इंच का और नीचे लेंथ 3 इंच का एक बॉक्स बना के कटिंग कर देंगे, क्योंकि ऊपर थोड़ा चौड़ा रहेगा बट बीच में जो डिज़ाइन देंगे उसको कम करेंगे। तो उसको 2.5 इंच पे बॉक्स बनाएंगे। देखिएगा, हमारा हमेशा कटिंग बीच में जो होता है, मटका डिज़ाइन हो या फिर कुछ भी, तो बीच में 2.5 इंच का ही बॉक्स बनाइएगा, क्योंकि 2.5 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, नहीं तो ज़्यादा पीठ चौड़ा हो जाएगा तो फिर डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो देखिए, हम 2.5 इंच के बॉक्स के बीच में ही डिज़ाइन दिए, बट हमारा शोल्डर की ओर थोड़ा डीप था, 3.5 इंच। अब हम इसको कटिंग करके और कपड़े के ऊपर स्टिच करके उसको रेडी कर देंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ कि कैसे लेस से डिज़ाइन देंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये समझ आएगा। और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को मोटिवेट करिए। और आप मोटिवेट करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छी लगेगी, कि मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो वॉच कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है मेरे वीडियो से, तो मुझे मोटिवेट होगा तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के और लाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टिच करके पहले रेडी कर देते हैं, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ कि लेस से कैसे डिज़ाइन देंगे। हम साइड साइड में लेस लगा के रेडी कर दिए हैं। अब हम उसके बीच में फ्लावर डिज़ाइन देंगे। तो हमारा जहाँ पे डोरी लगेगा उसे छोड़ के, और हम यहाँ पे फ्लावर का डिज़ाइन इक्वल ही गैप में देंगे और बीच बीच में मोती स्टिच करेंगे। तो ये प्लस चौक से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे कपड़े के ऊपर डिज़ाइन। देखिए, मैं चौक के सहायता से इक्वल ही फ्लावर को डिज़ाइन कर देती हूँ, और उसके बाद लेस से उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप चाहोगे तो इसमें डबल लेस भी घुमा सकते हो, और बीच बीच में हम लोग मोती लगा देंगे। आप जितना डेकोरेट करोगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। तो इसी तरह मैं कर दे रही हूँ, आप भी पूरा वीडियो देखिए।
इस ब्रांड मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूले। तो मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाती रहूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड माय क्रिएटिव में।